पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। कितने बच्चे हैं? हमारे 18 हैं। 18 बच्चे? 18 बच्चे। मतलब 14 साल में आपके कितने बच्चे हो गए? 18। स्टेप 4, आप लोग भी कैमरा उठाओ और एक एक मिनट के शॉर्ट वीडियोस बनाने शुरू करो उनके झूठ पकड़ते हुए। तो हम भी उठा लिए हैं कैमरा और नरेंद्र मोदी जी के दो बड़े झूठ पकड़ लिए हैं जो आप लोगों को दिखाने वाला हूं। अगर आप ध्रुव राठी के फैन हैं इसका मतलब आप झूठ के खिलाफ हैं। हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने दो गर्मा गर्म झूठ बोले हैं। पहला झूठ बोले हैं कि मनमोहन सिंह कह रहे थे कि देश की संपत्तियों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इस बात का फैक्ट चेक किए हैं द ललन टॉप ने तो साबित हुआ कि नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं, यानी मनमोहन सिंह ने ऐसा कोई भाषण दिया ही नहीं। दूसरा गर्मा गर्म झूठ बोले हैं दोस्तों, शायद नरेंद्र मोदी जी का मानना है कि मुसलमान ही इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, यानी मुसलमान लोग बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। क्या ये सच है? आइए एक वीडियो आप लोगों को दिखाऊंगा, एक महिला की वीडियो जो महिला गैर मुस्लिम है, यानी मुस्लिम नहीं है, लेकिन सिर्फ 14 साल के अंदर 18 बच्चे पैदा किए हैं। सबसे पहले नरेंद्र मोदी किस तरह कह रहे हैं मुसलमानों को लेकर वो सुनिए, उसके बाद दिखाऊंगा महिला किस तरह से 14 साल के अंदर 18 बच्चे पैदा किए हैं और वो कोई मुस्लिम नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का उल्टा मानना है। पहले देखिए। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। अब आइए वीडियो देखिए, सिर्फ मुसलमान ही ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं या कोई और करते हैं? सबसे पहले महिला का नाम सुनिए और वीडियो देखिए। माता जी क्या नाम है आपका? हमारा राम सिरे। कितने बच्चे हैं? हमारे 18 हैं। 18 बच्चे? 18 बच्चे। आपके 18 बच्चे सही में है या मजाक कर? मजाक नहीं कर, सच में 18? सच में 11 लड़का है, 7 बिटिया है। साल के साल जो बच्चे हो यहाँ तो क्या 16 साल का है आखिरी बच्चा? 16 साल। हाँ जो बड़े वाले हैं वो 30 साल। हाँ मतलब 14 साल में आपके कितने बच्चे हो गए? 18। 14 साल में 18 बच्चे? अरे दो बार जुड़िया भे भाई, 4 बच्चे तो यही हो गए। अच्छा दो बार जो है जुड़वा बच्चे? जुड़वा बच्चे हुए। चार ही हो गए। 14 और +2 4 जुड़वा, मतलब 14 + 4 इनके तो जुड़वा बच्चे। तो वीडियो देखकर दोस्तों आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे, लेकिन यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि नरेंद्र मोदी जी भी अब इस तरह से झूठ क्यों बोलने लगे हैं? इसका जिम्मेदार है, इसका कारण है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। तो आप भी इसी तरह से झूठ पकड़िए और जो पकड़ते हैं उनकी वीडियो को शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। फिर मैं मिलूँगा किसी दूसरी वीडियो के साथ।